आकाश पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अरे ऐसे कैसे बता दूँ भाई, यही तो मेरा सरप्राइज वेडिंग गिफ्ट है तुम्हारे लिए। एंड आई एम श्योर कि मेरी सरप्राइज वाली जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट राइट टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट। ये जीपीएस कुछ देर पहले बता रहा था कि हमें एकदम स्ट्रेट जाना है। अब राइट टू द एंड ऑफ द रोड एंड टर्न राइट Right. Okay. आकाश, ये सड़क बहुत सुनसान है। मुझे लगता है कि जीपीएस ने हमें गलत गाइड किया है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। स्टीरियो अपने आप कैसे शुरू हो गया? आकाश, ये आवाज बहुत अजीब है। आकाश, प्लीज तुम गाड़ी घुमा लो, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये रास्ता सही नहीं आकाश, प्लीज गाड़ी घुमा लो प्लीज। आकाश आकाश जल्दी प्लीज। ओके हो गया।
सोनिया आकाश सब ठीक तो हो ना? और हम कहाँ हैं? सोनिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक फील कर रही हो? हाँ से एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, तुम गाड़ी से आगे कहीं दूर बेहोश पड़ी हुई थी, तुम वहां तक कैसे पहुंचे? आकाश आकाश क्या तुमने किसी औरत को देखा था? औरत को? रात को हमारी गाड़ी के आगे कोई आया तो था, फिर हमारी गाड़ी पेड़ से टकराई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, और जब मुझे होश आया काफी ढूंढने के बाद मुझे किसी की मदद मिली, तब जाके हम यहां तक पहुंचे। तुम तब से बेहोशी थी। आई होप यू आर फीलिंग बेटर नाउ डॉक्टर, आई होप शी इज फाइन नाउ। हाँ अब ये ठीक है, मैंने इनके लिए दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें सुबह शाम दे दीजिएगा। थैंक यू, मैं चलता हूं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले आ चुकी हूं? शेरगढ़ में हम दोनों के लिए 4 नाइट की बुकिंग की है। ना बेस्ट एनिवर्सरी गिफ्ट। अपनी फैमिली के साथ पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ आकाश, 10 साल पहले, और यहाँ जो हुआ मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ था सोनिया जो तुम इस जगह को लेकर इतना परेशान हो रही हो? मेरे विकी भैया, आखिरी बार मैंने उन्हें यही देखा था 10 साल पहले। हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए थे, भैया कहाँ चले गया? वो क्यों सोनिया की बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही थी? हाँ अरे भैया, होटल में मम्मी पापा के साथ बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं, फिर सोचा कि मैं भी देखूं आप ऐसे छुपके छुपके कहाँ जाते हो। ये सीक्रेट एडवेंचर है, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। है हिम्मत, चलेगी मेरे साथ? भैया कुछ होगा तो नहीं ना? अरे मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, चल। और आकाश, किसी को पता भी नहीं है कि भैया के साथ क्या हुआ था, कि वो जिंदा भी है कि नहीं। I'm so sorry, सोनिया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं ले आता। कोई बात नहीं, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चलते हैं, ओके? ठीक तो? आपको चोट तो नहीं लगी? सोनिया, सोनिया तुम आखिर तुम आ ही गई, बहुत अच्छा किया।
10 साल से तड़प रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब आ गई हो, अब और देर मत करना बेटा। कौन हो आप? आप मेरा नाम कैसे जानते हो और किसकी बात कर रहे हैं आप? 10 साल से कौन मेरा इंतजार कर रहा है? मुझे पता था कि तुम जरूर बचा लोगे उसे। ये अब क्या बकवास कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, हमें कोई बकवास नहीं सुननी है। चलो यहाँ से। एक मिनट प्लीज, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सोनिया, हमें कोई बकवास नहीं सुन रही, ये बकवास कर रहे हैं। ओके चलो आओ। सोनिया रुक जाओ, सोनिया मत जा, सोनिया उसे छोड़ के मत जा, सोनिया सोनिया मत जाओ, सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सोनिया रुक जाओ। आकाश वो आदमी देख नहीं सकता, फिर उसने मुझे कैसे पहचाना? और वो किसी की बात कर रहा था। विकी भैया की? और उसने ऐसा क्यों बोला कि 10 साल से वो तड़प रहा है? आकाश, क्या विकी भैया अभी भी जिंदा है? Come on, सोनिया, मुझे लगता है उस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अरे कुछ भी बोल रहा था वो, तुम प्लीज उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और खुद को देखो। सोनिया तुम कितनी वीक लग रही हो और रात से तुमने कुछ खाना भी नहीं खाया। एक काम करते हैं, पहले हम कुछ खाते हैं और बाकी बातें बाद में। सोनिया एक बात पूछूं, तुमने आज तक अपने भाई के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद ही उन यादों से भागने की बहुत कोशिश कर रही थी आकाश। उस सदमे को भुलाने में मुझे बहुत टाइम लगा था। मैं थेरेपिस्ट के पास भी जाने लगी थी। सोनिया, आई एम सॉरी वंस अगेन, मेरी वजह से तुम्हें इस दर्द को फिर से झेलना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। नहीं आकाश, इस दर्द का सामना किए बिना कुछ खत्म नहीं होगा। I will have to face everything. वरना ये सारी यादें मेरा पीछा करती रहेगी हमेशा। देखो सोनिया, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ, पर ये जो पुरानी यादें हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें इन यादों को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। You're right. मैं वॉशरूम से आती हूँ। Okay. ये सब क्या हो रहा है? सोनिया, मुझे याद है ना कि थेरेपिस्ट ने क्या कहा था, कि जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, पर विकी भैया ने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसका मतलब जब वो गायब हो गए तो मैं उनके साथ थी, तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है ये सब? मुझे अचानक से चिल्लाने लगी और भागकर बाहर चली गई। आकाश, आकाश यही औरत थी, प्लीज बिलीव मी, शी वाज। सुनिए, 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 प्लीज
इस काम ना रोको, हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। सोनिया, जब से हम शेरगढ़ आए हैं कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है, बट डोंट वरी, हम जल्दी यहां से बाहर होंगे। गाड़ी रोको! विक्की भैया, विक्की भैया, विक्की भैया कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया कहाँ हो तुम? विक्की भैया, विक्की भैया, और इतनी रात गए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत खतरा है यहाँ, जाओ यहाँ से, जाओ। सुनिए, सुनिए, उठो, सुनिए, आई ओके? हाँ, तुम इस तरह वहां से भागी क्यों आई? जब तक मुझे पता नहीं चलता कि विक्की भैया के साथ क्या हुआ था, मैं शेरगढ़ छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये पता लगाने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। पर सोनिया, और ये सब पता लगा लेके लिए मुझे उस वक्त की सारी बातें याद करनी होगी आकाश, चाहे वो बातें कितनी दर्दनाक क्यों ना हो। और आकाश, मुझे अंदाज भी था ना, जो रिसोर्ट के बाहर हमें मिला था, मैं उसे पहले मिल चुकी हूँ आकाश, अब वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम उसके पास जाते हैं, प्लीज। ओके ओके, जस्ट काम डाउन, चलते हैं, आओ मेरे साथ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारा यहां आना और तुम्हारे भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाना ये पहले से निश्चित था। क्या आप जानते हो कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था? मैं इस दुनिया के अलावा उस दूसरी दुनिया से भी जुड़ सकता हूं, जो आत्माएं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में झूल रही हैं, मैं उनको महसूस कर सकता हूं, उनकी बातें सुन सकता हूं। मैंने एक आवाज को चीखते हुए रोते हुए सुना, वो किसी और की आत्मा नहीं थी, वो तुम्हारे भाई की आत्मा थी, जो इस दुनिया में मुक्ति चाहती, कैद होकर रह गई है और अपनी मुक्ति के लिए फरियाद कर रही है। इसका मतलब है कि विक्की भैया, हाँ बेटा, वो मर चुका है। लेकिन उसकी आत्मा तड़प रही है और तुम उसकी आत्मा को शांति दे सकती हो, उसकी मदद कर सकती हो। लेकिन मैं जानती नहीं उस दिन क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना होगा। क्या तुम ये दर्द सहने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ठीक, बैठ जा। अब अपनी आंखें बंद करो, अब तुम अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करो, तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तुम लोग कहां गए थे, क्या हुआ वहां, सब कुछ देखो।
अरे सोनिया डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम ये चैलेंज जीत कर रहेंगे, ठीक है? चल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये घर बहुत अजीब और डरावना। डरो नहीं, मैं हूं ना। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? अरे ये तो रितिका है, ये पिछले 2 साल से गायब थी, सबको लगा कि ये नदी में डूब गई, पर ये तो यहाँ है। हमेशा यही रहोगे मेरे साथ, मैं मार मार के तुम सबको सुधार दूंगी, समझी? भागो! आज शेरगढ़ में रहने वाली माया नाम की लड़की भी हमारे साथ थी, उसी ने हमें वो भयानक घर दिखाया था, हमारी जान बचाने के लिए इक्की भैया ने अपनी जान दी थी, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? सुनिए, मुझे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हें तो सदमे की वजह से कुछ याद नहीं था, पर माया, माया को तो विक्की के बारे में पता था ना, फिर उसने विक्की के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसे क्या हुआ था?
इस बात का जवाब हमें माया के घर से ही मिल सकता है। माया, माया जी, जी कहिए जी, माया कहाँ है? मुझे माया से मिलना है, प्लीज उसको जल्दी से बुला दीजिए। माया बेटी जी, वो अब नहीं रही। 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में वो सबको छोड़कर चली गई। क्या? दिमागी बीमारी हो गई थी बिटिया को, हर समय उदास कुछ सोचती रहती थी। शायद उसे इस बात का गिल्ट हो रहा होगा कि उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो विकी को एक खतरनाक जगह पर ले गई थी। गोद ली हुई लड़की थी, उसको हर समय डर रहता था कि कहीं उसे घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। उसने अगर ऐसा कुछ किया था जिससे साहब मेम साहब की शेरगढ़ शहर में बदनामी होती, इसलिए शायद उसने सबसे ये बात छुपाई होगी। ये कौन है? यही तो माया बिटिया है। क्या? आकाश, आकाश, उस रात मैंने इसी लड़की को जंगल में देखा था, इसी के बारे में पूछ रही थी तुमसे। इसका मतलब है कि माया कुछ कहना चाह रही थी, वो कुछ बताना चाहती थी। क्या हम उसका कमरा देख सकते हैं प्लीज? जी आइए मेरे साथ। चलो आकाश आइए। ये है उसका कमरा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं इस गिल्ट के साथ अब और नहीं जी सकती। मैंने इतनी बड़ी सच्चाई किसी से भी नहीं कही कि विकी को उस रात मैं वहां लेकर गई थी। मैं ये सच सबको बताकर थोड़ा प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये रहा वो भयानक घर जहाँ उस रात मैं विकी को लेकर आई थी। ट्यूशन पढ़ाती थी, वो बहुत गुस्से वाली औरत थी, बच्चों को डांटती मारती थी, डरा कर रखती थी। इन सब बातों की खबर जब पेरेंट्स को लगी तो उन्होंने अपने बच्चों को अनामिका के पास पढ़ने के लिए भेजना बंद कर दिया और वो इससे बहुत परेशान रहने लगी थी। बहुत दिन तक तो उसका कुछ पता नहीं चला, फिर एक दिन अचानक खबर आई कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और मरने के बाद उसने सबसे बदला दिया और उसी बदले का शिकार हुआ विक्की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई की आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहूं। कैसे सोनिया? मैंने सुना था अनामिका का खुद का परिवार भी था और एक बेटा भी था। परिवार? शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। मुश्किल से हमने आपका घर ढूंढा है। आप अपनी माँ का ये वीडियो देख लेंगे तो हमारे यहाँ आने का मकसद आप खुद समझ जाएंगे। प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज एक बार ये वीडियो देख लीजिए, प्लीज।
मैं क्या बोलूं, मैं बहुत छोटा था जब मेरे पेरेंट्स अलग हो। डैड ने बताया था कि माँ की मानसिक हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी कस्टडी उन्हें मिली। शायद अपने बेटे से दूर होने की वजह से अनामिका को बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए जिन बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी उन्हीं के साथ रहने में उसे सुकून मिलता। और शायद ये भी हो सकता कि जब उन बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अनामिका के पास जाने से मना किया होगा तो ये बात अनामिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए मरने के बाद भी जो भी उस घर में कोई आता वो उसे वापस नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि बेटा और सब कुछ खो देने के बाद भी उसे अकेलापन सालता। कोई भी उसके साथ रहता तो उसे अच्छा लगता, वो किसी से दूर नहीं रहना चाहती थी। और डैड ने मुझे कभी हमसे मिलने ही नहीं दिया। इसी दुख और गुस्से ने अनामिका को इतना शक्तिशाली और बुरा बना दिया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। अगर आज उसे कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा। हाँ अजय, तुम रोक सकते हो। अजय प्लीज हमारी मदद करो, मेरे भाई और आपकी माँ की आत्मा को शांति सिर्फ आप ही दे सकते हो, प्लीज। डरो मत बेटा, ये माया है, माया। घबराओ मत सोनिया, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं तो तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से तुम्हारे भाई विकी की जान चली गई, मैंने डर के मारे किसी को ये सच्चाई नहीं बताई, बता देती तो सब मुझे ही सजा देते। मुझे माफ कर दो सोनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई का दिया हुआ बलिदान याद दिलाना चाहती थी, इसलिए उस दिन तुम्हें जंगल में विकी बन के दिखी थी। मुझे माफ कर दो सोनिया। मैंने तुम्हें माफ किया, अब मुझे शांति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। वो रहा वो घर जहां विकी की आत्मा कैद है। अब हमें अनामिका के घर के अंदर जाना होगा। नहीं अंकल, आपने हमारी बहुत मदद की है, हम आपकी जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। आप बस इतना बता दीजिए कि हमें अंदर जाके क्या करना है। उस घर में तुम्हें कुछ बच्चों के कंकाल मौजूद मिलेंगे जिनकी आत्माएं वहां कैद हैं। उन सारे कंकालों को तुम्हें ढूंढ करके जलाना होगा, उसके बाद ही शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और वो आजाद हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो अब हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। अजय, हमें जल्दी से बच्चों के कंकाल ढूंढने होंगे, और अगर अनामिका आ गई तो तुम्हें पता ना तुम्हें क्या करना है। हटो! आकाश, तुम दोनों कंकाल ढूंढो, मैं विक्की भैया को ढूंढ के आती हूँ। आकाश आकाश जल्दी करो। हाँ अजय।
सोनिया, की भैया सोनिया तुम यहाँ क्यों आई? वो किसी को नहीं छोड़ेगी, भाग जाओ यहाँ से, मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो मेरी बहन। देवी की बहन, उस रात को भी आपने अपनी जान दे दी और हमारी जान बचाई। मैं आपको और तड़पते हुए नहीं देख सकती, मैं आपको आजाद करने आई हूँ विकी भैया। ये रहे कंकाल, चलिए चलिए हमें इन्हें फटाफट जलाना होगा। ओके सोनिया, हम सब यूं ही यहाँ तड़पते रहेंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। फास्ट, जल्दी भाग गई सोनिया, भाग जाओ, मैंने कहा भाग जाओ। अरे कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आकाश, आकाश तुम ही कौन? आकाश उसे चलाओ, उसे चलाओ। माफ कर दो माँ, आपका बेटा अजय। माँ कितना दौड़ाते हो मुझे। हाँ आज मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई। क्या है वो मम्मा? खोलो। ये क्या है? इसमें मम्मा की और अजय की फोटो है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, ठीक है? को छोड़ दो माँ, मैं चाहता हूँ आप इनको आजाद कर, आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए माँ। प्लीज माँ, प्लीज। सोनिया, विकी भैया मैं जा रहा हूं मेरी बहन,